हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चंद। आज वीडियो में बात करने जा रहा हूँ, अगर आपके पेन ड्राइव से या एसडी कार्ड से या मेमोरी कार्ड से कुछ भी डाटा डिलीट होता है तो आप बिल्कुल फ्री में आप उसे रिकवर कर सकते हैं। कोई भी आपको चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको इस वीडियो में ऐसे एक एडवांस टूल बताऊंगा जिसके मदद से आप बिल्कुल फ्री में अपने डिलीट हुए डाटा को रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, लेट स्टार्ट द वीडियो। तो फिर मैं आ गया अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैं अपने पेन ड्राइव को ओपन कर लेता हूँ। तो ये रहा पेन ड्राइव, मैं इसे ओपन करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ डाटा है, जैसे कि यहाँ पे मेरे वीडियो है और यहाँ पे जैसे कुछ पीडीएफ मेरे डॉक्यूमेंट्स है और यहाँ पे जैसे कुछ इमेजेस है, मेरे यहाँ पे थंबनेल है। तो इस पेन ड्राइव को मैं फॉर्मेट कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसे रिकवर करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे फॉर्मेट कर देता हूँ। तो देखिए ये फॉर्मेट कंप्लीट हो चुका है और मैं आपको पेन ड्राइव ओपन करके दिखा दूँ। देखिए ये एम्प्टी हो चुका है। तो आप मुझे यहाँ पे पेन ड्राइव में जो डिलीट हुआ है उस फाइल को रिकवर करना होगा। इसी तरह आपके कोई भी फाइल डिलीट हो जाता है गलती से, तो किस तरह आप डिलीटेड फाइल को रिकवर कर सकते हैं, तो इसके लिए सिंपली आपको ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है फोटो रिक और सिंपली एंटर प्रेस करना है और टॉप में ही आपको देखने को मिलेगा फोटो रिक। आपको इसे ओपन कर लेना है। तो ओपन होने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऐड आएगा, इसे क्लोज कर लेना है आपको। और यहाँ पे आपको बीटा वर्जन देखने को मिल जाएगा, देखिए 7.3। आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं विंडोज़ के लिए 64 bit, 32 bits, मैक आईओएस के लिए भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिनक्स के लिए भी, डॉक के लिए भी। तो मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो सिंपली 64 bit इस पर क्लिक करता हूँ और सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। और ये देखिए फाइल डाउनलोड होने स्टार्ट हो चुका है, आपको देख सकते हैं। तो फिर देखिए फाइल डाउनलोड हो चुका है, तो सिंपली आपको इसे ओपन कर लेना है। तो ये जीप फाइल डाउनलोड हुआ है, तो सिंपली आपको इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे फाइल एक्सट्रैक्ट करके मिल चुका है, तो मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। ओपन होने के बाद देखिए आपको ढेर सारा फाइल देखने को मिलेगा। तो नीचे स्क्रॉल करके देखना है फोटो रिक, आपको इस फाइल की जरूरत पड़ेगी डाटा रिकवर करने के लिए। और नीचे आपको और एक फाइल देखने को मिलेगा टेस्ट डिस्क। टेस्ट डिस्क को हम जब यूज़ करेंगे कोई भी हमारे हार्ड डिस्क के पर्टिकुलर पार्टीशन से कोई फाइल डिलीट हुआ है तो उसे रिकवर करने के लिए हम टेस्ट डिस्क का यूज़ करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे मेरे कोई पार्टीशन नहीं है, मेरे पेन ड्राइव से डिलीट हुआ है, तो मैं इसे रिकवर करने के लिए फोटो रिक पे डबल क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है, तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो जैसे ही ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा आपके जितने भी हार्ड डिस्क है यहाँ पे स्कैन कर लेगा और पेन ड्राइव जितने लगा हुआ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब मुझे यहाँ पे जिस ड्राइव को रिकवर करना है यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो मुझे यहाँ पे USB को सिलेक्ट करना है, आपको ध्यान से सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे देख लेना है। तो मेरे ख्याल से ये देखिए 31 GB, यही मेरे USB है। तो मैं कीबोर्ड की मदद से इसे नीचे लाता हूँ और सिंपली एंटर प्रेस करना है। तो एंटर करने के बाद आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे आपके कोई पार्टीशन करप्ट हो गया उसको रिकवर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी पार्टीशन मेरे पेन ड्राइव में बना हुआ है, तो मैं फिर 32 के साथ इसके साथ जाऊंगा। सिंपली इसे सिलेक्ट कर लिया हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तब मुझे यहाँ पे फाइल सिस्टम को सिलेक्ट करना होगा। जब मेरे पेन ड्राइव से डाटा डिलीट हुआ उस समय फाइल सिस्टम क्या था, तो आप इजीली देख सकते हैं। सिंपली अपने पेन ड्राइव को ओपन कर लीजिए, इस पर राइट क्लिक करिए और यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज में जाना है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा FAT32 या आपको NTFS देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे FAT32 है तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे मैं FAT इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिंपली एंटर प्रेस करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे चॉइस करने का ऑप्शन मिलेगा, प्लीज चॉइस इफ ऑल दी स्पेस नीड टू बी एनालाइज। तो आपको यहाँ पे फ्री स्पेस को एनालाइज करना चाहते हैं या आपको होल स्पेस को एनालाइज करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और मैं आपको खास बात बता दूं, जब भी आपके पेन ड्राइव से कुछ भी डाटा डिलीट हो जाए उसे आपको यूज करने बंद कर देना है। अगर आप उसे बार बार फॉर्मेट करेंगे तो आपको रिकवर करने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो भी आपके डाटा डिलीट हुआ है उस पे होल ब्लॉक रहता है, होल ब्लॉक के मदद से ही डाटा रिकवर होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पे मैं होल पेन ड्राइव को एनालाइज करना चाहता हूँ, तो सिंपली यहाँ पे होल सेलेक्ट करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो अब मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा जो फाइल रिकवर होगा उसका आपको डायरेक्शन देना होगा कहाँ पे रिकवर हो। तो इसके लिए मैं अपने दिस पीसी को ओपन करता हूँ और यहाँ पे जे ड्राइव इसे मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ और इस फोल्डर के नाम दे देता हूँ मैं रिकवरी और इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ। तब मुझे यहाँ पे उस फोल्डर को सिलेक्ट करना होगा, तो आप कीबोर्ड की मदद से राइट और लेफ्ट की मदद से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकेंगे। तो बैक करने के बाद आपको यहाँ पे पार्टीशन देखने को मिलेगा और साथ ही आपको जो पार्टीशन के लेटर हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा राइट साइड में। तो मैं नीचे यहाँ पे कीबोर्ड की मदद से नीचे एक डाउन बटन से इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ जे मैं रखा था, और मैं इसे राइट की मदद से इसे ओपन कर लेता हूँ और मैं नीचे देख लेता हूँ। मैं नीचे जाता हूँ, जो मेरे यहाँ पे फोल्डर होगा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा रिकवरी ये फोल्डर था, तो इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसे सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको एंटर प्रेस करना है। तो आप मुझे यहाँ पे डायरेक्टरी सेलेक्ट होने के बाद सिंपली यहाँ पे सी प्रेस करना है, आपको टॉप में ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं सी प्रेस कर देता हूँ।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फाइल रिकवरी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे देखिए जेपीजी फॉर्मेट आ गया है, वीडियो भी रिकवर करने स्टार्ट हो गया है, तो आपको वेट कर लेना है। तो इस टूल की मदद से आप जितने भी फाइल को रिकवर कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है, केवल आपको सेटअप करना है और आप अनलिमिटेड इसमें फाइल को रिकवर कर सकते हैं, 1 TB तक भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे फाइल रिकवर दिखा रहा है, तो मैं फोल्डर को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि फाइल रिकवर हुआ है कि नहीं। तो सिंपली मैं दिस पीसी को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं जे ड्राइव को ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाया था रिकवरी, मैं इसे ओपन करता हूँ और यहाँ पे देखिए फोल्डर बन के आ चुका है। तो मैं फास्ट वाला को ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे वीडियो डिलीट किया था यहाँ पे आ गया, जो मेरे फोटो थे ये भी डिलीट हुआ, ये आ गया, और जो पहले कुछ फाइल डिलीट हुआ था ये भी आ गया, यहाँ पे रिकवर हो चुका है। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक वहाँ पे रिकवर हो रहा है। तो ये बहुत ही एडवांस टूल है जिसकी मदद से आप इजीली बिल्कुल फ्री में अपने फाइल को रिकवर कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरे PDF डिलीट हुआ था यहाँ पे वो भी रिकवर हो चुका है। और इसे मैं देख लेता हूँ कौन से फाइल यहाँ पे रिकवर हुआ है। तो JPG यहाँ पे आप देख सकते हैं 1050 रिकवर कर दिया है, ये जिप फाइल यहाँ पे 830 रिकवर कर दिया है, टेक्स्ट यहाँ पे 294 रिकवर कर दिया, तो बहुत कुछ रिकवर कर दिया। जो पहले से डिलीट हुआ वो ऑटोमेटिक रिकवर हो रहा है। तो मैं इसे बैक करके आपको दिखा देता हूँ रिकवर हुआ है कि नहीं। तो मैं लास्ट फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट्स कितने रिकवर हुआ है। देखिए यहाँ पे 209 आइटम रिकवर हुआ है। और मैं दूसरे फोल्डर को भी ओपन करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आप 801 आइटम यहाँ पे रिकवर हुआ है। देखिए यहाँ पे जितने फाइल डिलीट हुआ है ऑटोमेटिक यहाँ पे रिकवर हो रहा है, यहाँ पे अनलिमिटेड है। तो आप यहाँ पे आप वेट कर सकते हैं, अगर आपके फाइल रिकवर हो जाता है तो आप इसे क्लोज भी कर सकते हैं। अगर आपके फाइल रिकवर नहीं हुआ तो आप वेट कर लीजिए, ये जब तक आपको रिकवर करके नहीं देता है। और आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे, जो भी फाइल रिकवर होगा उसके नाम यहाँ पे ये लॉस हो गया होगा, क्योंकि ये फाइल के सोर्स पे काम करता है ना कि फाइल के पाथ पर। ये मेटा डेटा पे काम करता है कि फाइल के रिकवरी के चांसेस ज्यादा हो, इसीलिए फाइल के नेम को लॉस हो जाता है, लेकिन फिर भी आपके डाटा तो रिकवर हो जाता है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सबको पसंद आएगा, तो अपने फ्रेंड तक भी ज्यादा शेयर करिए और कमेंट करके बताइए इन्फॉर्मेशन आप सबको कैसे लगा। और वीडियो को एंड करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसका कंप्यूटर रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पे लेके आते रहता हूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।